हेलो एवरीवन, ये देखिए शाम का क्लिप है। दोनों सो के उठ चुके थे, तो बस दोनों की मस्ती चल रही थी। दोनों एक दूसरे को प्यारी प्यारी कर रहे थे और साथ में खेल रहे थे। और उसके बाद से फिर हम लोग का प्लान तो था कहीं और जाने का, लेकिन फिर गए थे तो ये रास्ते में हम लोगों को दिख गया, तो फिर हम लोग यहीं चले गए। और ये जो है आप देख रहे हैं ना, ये दुबई का पूरे थीम पे था और यहाँ पे टावर बने हुए थे, काफ़ी अच्छा था। तो बस हम लोग बोले चलो चलते हैं। वैसे तो जाने का प्रोग्राम हाथी पार्क था, लेकिन हाथी पार्क में जाके फिर यहीं चले गए, क्योंकि ये इस टाइप से कभी कभी यहाँ पे लगता है। यहाँ पे हम मतलब ये पहली बार देखे थे, ये दुबई पे पूरा बनाया गया था और अंदर बहुत कुछ जो है था घूमने फिरने का, और काफ़ी झूले भी थे, खाने पीने का भी आइटम बहुत सारा था, बहुत कुछ मिल भी रहा था। तो हम लोग बोले चलो चलते हैं। और काफ़ी बुक्स भी मिल रही थी यहाँ पे, हर एक तरीके की बुक्स थी, चाहे जैसी आपको चाहिए उस तरीके से बुक्स मिल रही थी। तो बस यही हम लोग देख रहे थे किस किस चीज़ का स्टॉल लगा है। और ये देखिए फिर ये झूला था, तो स्टॉल स्टॉल देखने के बाद फिर हम लोग चले आए थे झूले पे। और हालांकि झूला हम तो नहीं झूले थे, लेकिन बस देख रहे थे घूम घूम के यहाँ क्या क्या लगा, देखने में भी अच्छा लगता था। तो ये देखिए ड्रैगन वाला था, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेन ड्रैगन था। तो बस उसी पे ये रियांश और उसके पापा चले गए थे और हम नीचे ही खड़े थे, क्योंकि बाबू था साथ में छोटा वाला, तो फिर वो डर जाता है, इसीलिए हम भी नहीं गए। वैसे हमको भी इस पर बहुत ज़्यादा डर लगता, हम भी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन चले जाते हैं इन लोगों के कहने पर। लेकिन इस बार तो बिल्कुल भी नहीं गए, क्योंकि बेबी बहुत छोटा था। तो बस ये देखिए इन लोग इस पे चले जाते हैं झूलने के लिए। और इसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ थी देख के लग रहा था। और ये देखिए यहाँ पे गोलगप्पे मिल रहे थे ना, ग्रीन कलर के पालक के गोलगप्पे थे और मूंग दाल के गोलगप्पे थे, मतलब पूरे जो फुल्की होती है ना, क्या बोलते हैं, वही पूरे ग्रीन कलर की थे। मूंग दाल और पालक के यहाँ गोलगप्पे मिलते थे, मतलब जैसे नॉर्मल मिलते थे वो तो मिल ही रहे थे, लेकिन इस तरीके से भी मिले थे। और हमें गोलगप्पा बहुत पसंद है, तो बस हम ट्राई कर लिए गोलगप्पे। और ये देखिए फिर ये था ना जो जंपिंग वाला होता है, मिकी माउस वाला, लेकिन यहाँ पर ये था छोटा भीम वाला था जंपिंग। तो बस उस पर रियांश जो है अपना जंपिंग वम्पिंग करता है, यही रियांश है थोड़ा झूला झूलता है, और हम लोग कहाँ झूलते हैं। तो बस यही सब चलता रहा और मज़ा भी बहुत आया हम लोगों को। उसके बाद ये चला आता है दूसरे झूले पे, घोड़े वाले पे। तो ये देखिए फिर ये घोड़े पे झूलता है, काफ़ी मतलब टाइम हो गया था हम लोगों को यही सब करते करते, बहुत टाइम हो गया था। हालांकि सामान कुछ भी नहीं लिए वहाँ से, क्या लेते रोज़, हर बार तो ऐसा ही कुछ सामान मिलता रहता है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे सामान लेने का, नहीं लिए सामान वामान। और ये देखिए ये तो देख के एकदम दिल दहल जाएगा, इतना भयंकर था कि माय गॉड, बहुत ज़्यादा इतना ऊपर, काफ़ी ऊपर गया था एकदम। मतलब ये लड़का था जो भैया थे, ये भी एकदम घबरा गए और वो फिर तुरंत ही उतर गए, एक ही राउंड में ये उतर गए थे। उसके बाद हम लोग निकल लेते हैं घर के लिए। तो बस देखिए बेबी को ये लिए हुए थे और रियांश मेरे साथ था, और टाइम हो गया था तो थोड़ा थोड़ा भी करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। और ये देखिए हम आप लोगों को दिखा देते हैं क्या क्या स्टॉल लगी हुई थी, बहुत सारे स्टॉल लगी हुई थी। बंद करो दरवाज़ा। तो थोड़ा थोड़ा हम क्लिप लेते गए और बहुत कुछ तो ले ही नहीं पाए क्लिप, क्योंकि इतना ज़्यादा था कि फिर उतना घूमने का टाइम ही नहीं था। और ये देखिए फिर इस तरीके से निकलते टाइम पे, स्टार्टिंग का तो हम मेरा कोई प्लान नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ काफ़ी कुछ दिक्कत होता और भीड़ इतनी थी कि फिर ये हो रहा था कि बच्चा संभाले या फिर वीडियो बनाए। लेकिन फिर बना लेते हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब भी बाद में देखने में अच्छा लगेगा कि हाँ हम लोग यहाँ गए। रियांश को भी अच्छा लगेगा कि हम लोग यहाँ से यहाँ पर गए इसीलिए। और ये देखिए बस हम लोग बाहर को निकल जाते हैं और ये अपना कुछ फ़ोटो क्लिक करवाता है। और ये फिर आ जाते हैं घर पे और एकदम थक जाते हैं, तो फिर
मेरा कुछ बोलने वाले थे लेकिन हम बोले नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा था। हम बोले चलो पहले खाना बना लेते हैं, और वो आज हम बनाने वाले हैं छोला और भटूरा। तो बस काबली चना जो है था उसको उसको रख दिए थे बॉयल्ड होने के, जब तक हम लोग चेंज वेंज किए, पानी वानी पिए, तब तक वो बॉयल्ड हो चुका था। और ये देखिए बहुत अच्छे से मेरा बॉयल्ड हो चुका था। मसाला भी हम पीस लिए थे, और जो भी खड़े मसाले पड़ते ये सबको हम निकाल दिए थे, क्योंकि फटाफट से बनाना था, रात भी हो गई थी। तो बस यही था कि हाँ जल्दी जल्दी से बना ले। तो बस ये देखिए मेरा कुकर में हम बनाते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा मतलब वो भी रहेगा ना, हल्का सा अगर कच्चा भी रहेगा तो फिर वो सीटी, एक सीटी ले लेंगे कुकर में तो हाँ पक जाएगा। तो बस वही था कि मसाला वसाला देखिए मेरा ये अच्छे से भून चुका है, और जब तक मेरा मसाला भून रहा है तब तक हम लगा लेते हैं आटा। और ये देखिए बस मैदा ले लिए हैं, उसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा चीनी डाल देंगे, बस इसके अलावा और कुछ भी हमें नहीं करना रहता। हालांकि आलू डाल के इस बार भटूरा बनाने वाले थे, लेकिन क्या है वही है ना कि जल्दीबाजी में हम आलू बॉइल्ड करना भूल गए। तो बस चलो ठीक है, कोई नहीं, हम ऐसे ही बना लेंगे। और फिर इसमें जो है अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ले लेते हैं दही, ये घर की फ्रेश दही रखी थी। तो बस दही डाल के और अच्छे से आटा को गूंद लेंगे, तब तक मेरा आटा मैदा रेस्ट करेगा, तब तक फिर ये मेरा छोला भी हो जाएगा, उसके बाद छानना रह जाएगा। तो बस गर्मा गर्म छोला भटूरा हम छान देंगे। ये देखिए मेरा आटा, और बहुत ही हल्के हाथ से लगाना रहता है, बहुत सॉफ्ट भी आटे को नहीं लगाना रहता, क्योंकि ज़्यादा अगर सॉफ्ट लगाएंगे तो थोड़ा देर रेस्ट कराने के बाद ये और सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर वही है कि बहुत ज़्यादा मतलब बेलने में तो अच्छा रहेगा, बेलने में दिक्कत करता है। तो बस ये देखिए मेरा आटा ये लग चुका है, और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। और जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक हम बाकी जो मेरे छोले में प्रोसेस हैं वो सारे प्रोसेस पूरे कर लेते हैं। और इधर देखिए मैं मटर भी बॉयल्ड होके रखा, और ये देखिए एकदम मस्त वाला मसाला भून रहा है। और मसाले को यही है कि जितने अच्छे से भूनेंगे वो उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद जब अच्छे से मेरा मसाला भुन जाता है तो इसमें डाल देते हैं एक ठो टमाटर। और टमाटर डालने के बाद फिर वही जो हम डालते हैं हर बार की तरह, थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, गुड़ या फिर थोड़ी सी चीनी। तो इससे क्या है ना कि छोला का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही बेहतरीन वाला आता है, जैसे मार्केट में रहता है ना हल्का सा, बहुत हल्का से मीठा और बाकी का तीखा वाला स्वाद आता है। तो वही वाला इस तरीके से छोला बनाने में गुड़ डालने से आता है। तो वही हम डाल लेते हैं, और उसके बाद टमाटर गुड़ को अच्छे से वो पका लेंगे, और जितने अच्छे से पकेगा उतना इसका अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए फिर मेरा जब अच्छे से एकदम मसाला भून चुका था, गुड़ और टमाटर अच्छे से मसाले में पक चुका था, उसके बाद डाल देते हैं ये मटर। और मटर में पता है काबली चना, हम पूरा पूरा काबली चना नहीं लेते, थोड़ा सा इसमें हम वो भी डालते हैं जो देसी वाला प्लेन मटर होता है ना, नॉर्मल जो हरी मटर को सुखा के बनता है वो वाला भी मटर हम डालते हैं। इससे क्या होता है ना कि छोला मेरा थोड़ा सा थिक भी बनता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, अच्छा लगता है खाने में। तो बस ये देखिए मटर डालने के बाद अच्छे से थोड़ा देर तक हमें और मसाले को भूनना रहता है। और इसका बनने के बाद कलर देखिएगा ना कितना बेहतरीन वाला कलर आता है, हालांकि बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाले लेकिन फिर भी आप लोगों को देख लगेगा कितना ज़्यादा ऑयल पड़ा, और इतना बेहतरीन कलर आता है, एकदम मार्केट वाला रेड रेड कलर आता है। तो ये देखिए बस मेरा मसाला इसमें जो है छोले के साथ भून चुका था। इसमें हम डाल देते हैं पानी, पानी को हम पहले से गर्म करके रखे थे, और गर्म पानी ही डालते हैं, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना रहता है, क्योंकि फिर कलर अच्छा नहीं आता है ठंडा पानी डालने से। बस अच्छे से इसको चला देंगे, और खोलने के बाद एक बार इसको खोला लेते हैं, तब अच्छे से मेरा ये बॉइल्ड हो जाता है, तब इसमें हम लगा लेंगे, एक सीटी लगाएंगे। हालांकि मटर बहुत अच्छे से पक गया था, फिर भी ये एक ही मटर के अंदर मसाला वसाला चला जाएगा, अच्छे से मटर पक जाएगा। तो ये देखिए बस मेरा छोला अच्छे से खोल रहा है, तो इसमें हम लगा लेते हैं सीटी, और ये लिड लगा लेंगे, एक सीटी बच जाएगा। तो बस मेरा गर्मा गर्म छोला एकदम तैयार हो जाएगा, और फिर तुरंत की तुरंत हम भटूरा भी सेक देंगे, क्योंकि भटूरा भी अब भटूरा का आटा रेडी हो चुका है। और
और ये देखिए मेरा जो है एक सीटी आ चुका था छोले में। उसके बाद हम आपको खोल के दिखाते हैं प्रेशर। ये देखिए क्या मस्त वाला कलर आया है छोले में, और अच्छे से मिक्स भी हो चुका था, मटर भी बहुत अच्छे से गल चुका था। उसके बाद हम बना लेते हैं भटूरा। बहुत ज़्यादा थक गए थे, मार्केट का नहीं खाएं क्योंकि बच्चों को लेके साथ में खाने में दिक्कत होता है, इसी वजह से अभी सब छोटे हैं, इसी वजह से नहीं खाया। हम बोले चलो घर पे फटाफट से बन जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो बस ये देखिए हम बना लेते हैं अपना भटूरा। और किचन बहुत मैसी सा हुआ, ये हुआ कि फटाफट से पहले बना लेते हैं, बाद में तो फिर उसको सेट हम कर ही लेंगे। तो बस यही है कि मेरा आज का रात का डिनर यही था, छोला भटूरा। और आज काफ़ी दिनों के बाद हम बनाए हैं छोला भटूरा। बहुत मतलब हमें खुद भी नहीं याद है कि हमारे यहाँ कब का ये बना था छोला भटूरा। तो हम बोले चलो, आज बाबू भी कह रहा था कि हाँ चलो छोला भटूरा बनाओ, बहुत दिन हो गया है। तो बस ये देखिए मेरा बन चुका था भटूरा छोला, और हम लगा लेते हैं प्लेट। तो ये देखिए गर्मा गर्म वाला छोला भटूरा। चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के।